हेलो गाइस, मेरा नाम है माना खान। स्वागत है आप सबको आज की इस नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा कि अगर आपने ट्रेन का वेटिंग टिकट बुक किया है तो उसका करंट स्टेटस क्या है, कितना नंबर वेटिंग पे है या फिर आपका टिकट कन्फर्म हो चुका है। आज मैं आपको लाइव चेक करके दिखाऊंगा। अगर आप भी अपना टिकट का करंट स्टेटस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो गाइस, चलिए आज के वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना टिकट को निकाल लेना है। मैं मेरा टिकट को निकाल लेता हूँ, डाउनलोड करके रखा था मैं PDF। तो आप भी अपना टिकट को निकाल लीजिएगा। पहले ये रहा मेरा टिकट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और टिकट का ऊपर लेफ्ट साइड पे आपको PNR नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये रहा मेरा PNR नंबर। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस PNR नंबर को। आप भी अपना PNR नंबर को कॉपी कर लीजिएगा और टिकट का इस साइड आपको मिल जाएगा कितना तारीख को टिकट बुक किया था। जैसे कि मेरा 22 दिसंबर को बुक किया था मैं, और 3 पैसेंजर का एक साथ टिकट है, इसलिए 25, 26, 27 ऐसे वेटिंग दिख रहा है। और अभी करंट कितना नंबर वेटिंग है या फिर कन्फर्म हो चुका है, आज मैं यही लाइव चेक करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस, यहाँ से आपको PNR नंबर को कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से बैक कर लेना है। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। यहाँ से बैक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लेना है। मैं अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लेता हूँ। अपना मोबाइल डाटा ऑन करने के बाद आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल हो या फिर क्रोम ब्राउज़र, आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे PNR स्टेटस टाइप करना है, या तो फिर आप यहाँ ऊपर में इस पर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करना है PNR स्टेटस। जैसे लिख के सर्च करोगे तो गाइस, सबसे पहले आपको ऊपर में एक लिंक मिलेगा PNR इंक्वायरी इंडियन रेलवेज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इधर आपको लेफ्ट साइड ऊपर इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से डेस्कटॉप साइट इस पर टिक करके रखना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है इंटर PNR नंबर। यहाँ पे आपको अपना PNR नंबर पेस्ट कर देना है, अगर आपने कॉपी करके रखा है तो, नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ से अपना टिकट से देख देख के। मैं यहाँ से अपना PNR नंबर टाइप कर देता हूँ। PNR नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे सबमिट करोगे उसके बाद आपको कैप्चर फिल करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आपको प्लस या माइनस जो कुछ भी करने के लिए बोलता है, आप उसका आंसर यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। मेरे को माइनस करने के लिए बोल रहा है 824 से 10 माइनस करना है, तो 814 मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। आंसर इंटर करने के बाद आपको सबमिट वाला बटन पे क्लिक करना है। मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ से दिख जाएगा करंट स्टेटस, यहाँ से आप जूम करके देख सकते हैं अभी कितना 17, 18, 19 ऐसे वेटिंग दिख रहा है। करंट स्टेटस आपको चेक करना है यहाँ से, जिस टाइम बुक किया था उस टाइम 25, 26, 27 ऐसे वेटिंग था, अब इतना कम हो चुका है, 17, 18, 19 ऐसे वेटिंग दिख रहा है। और यहाँ से आपको ट्रेन का नाम भी दिख जाएगा, ट्रेन नंबर और कितना तारीख का टिकट है। जैसे मेरा 6 तारीख का टिकट है कटिहार टू सिरसा, जैसे कि देख सकते हैं ये 3rd AC का टिकट है। उसके बाद आपको एक नीचे और एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे चार्टिंग स्टेटस चार्ट नॉट प्रिपेयर्ड दिख रहा है, मतलब अभी तक चार्ट नहीं बना है। ये ट्रेन छोड़ने से 4 घंटा पहले चार्ट बन जाता है। अगर आपका यहाँ दिख रहा है चार्ट PPR, उसके बाद अगर आपका टिकट वेटिंग पे है तो समझ लेना कि आपका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है। तो गाइस, इस वीडियो पे इतना ही।
अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।